कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ विद्यालय, चौथा पाठ विद्यालय का अध्ययन करेंगे। विद्यालय विद्याधन आलय, विद्यालय अर्थात विद्या का मंदिर। इस पाठ में विद्यालय पर आधारित बालकों के द्वारा आधारित बालकों के आपस में वार्तालाप करने को चित्रों के माध्यम से बताया गया है। पाठ में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द में जो विभक्ति, वचन तथा लिंग होते हैं, सर्वनाम शब्द में भी वही विभक्ति, वचन एवं लिंगों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं पाठ विद्यालय। एषः विद्यालयः अर्थात यह विद्यालय है। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र यहाँ छात्र, शिक्षिका, शिक्षिकाः यानी शिक्षक, शिक्षिका च सन्ति। छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। बहुवचन शब्द शिक्षकाः, शिक्षिकाः, छात्राः च सन्ति। सन्ति यानी हैं। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिका च सन्ति। यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अगले चित्र में देखिए आप कुछ बालिकाएं संगणक यंत्र में कुछ करती दिखाई दे रही है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक किसे कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं। यह जो है कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, ये कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि यानी ये संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्राणि यानी बहुत सारे अनेक सन्ति कंप्यूटर हैं। ये अनेक कंप्यूटर हैं अर्थात बहुत से कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति। अब आप देखिए एक बगीचे का चित्र है और उसके लिए संस्कृत में वाक्य लिखा हुआ है और उसका अर्थ हमें जानना है। एतत् अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति। एतत् यानी यह, अस्माकं हमारा, हमारी, हमारे विद्यालय से, विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है। अस्ति यानी है। एतत् अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। समझ में आ रहा है सबको? उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने सप्त विभक्ति, उद्याने यानी बगीचे में पुष्पाणि बहुत से पुष्प सन्ति हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में क्या है? पुष्प हैं, बगीचे में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम् हम सब अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, च यानी और। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते खेलते हैं और पढ़ते हैं। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। आगे देखिए, अब दो छात्र, छात्रा आपस में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। ऋचा कहती है तव नाम किम। ऋचा नाम की छात्रा छात्र प्रवण से कहती, प्रणव से कहती है कि तव नाम किम। ऋचा तव नाम किम, तव यानी तुम्हारा नाम, यानी नाम, किम यानी क्या, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव, प्रणव कहता है मम नाम प्रणव, मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव ने भी से पूछ लिया तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती मम नाम ऋचा,
मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। ऋचा ने अपना नाम बताते हुए प्रणव से कहा कि मम नाम ऋचा, तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पर पढ़ते हो। ऋचा कहते हैं, प्रणव कहता है, अहम अत्र एव पठामि, अहम अत्र एव पठामि, अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही पठामि, पढ़ता हूँ, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ या यहाँ पर ही पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम अपि यानी भी, अहम यानी मैं भी अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेश्वर, इदानीम आवाम मित्रेश्वर, अब वो क्या है, आवाम हम दोनों मित्रेश्वर, हम दोनों मित्र हैं। इस प्रकार आप सब भी भैया बहन आपस में वार्तालाप के माध्यम से अपना नाम बता सकते हैं, अपनी कक्षा बता सकते हैं, हम कहाँ रहते हैं, अपने माता पिता का नाम बता सकते हैं, संस्कृत में अपना वार्तालाप करना हम सीख सकते हैं। आगे देखिए, शिक्षिका और छात्रा का वार्तालाप है। शिक्षिका कहती है, छात्रा यूयम किम करुथ, छात्राओं यूयम किम करुथ, यूयम यानी तुम सब, किम यानी क्या, करुथ यानी कर रही हो, तुम सब क्या कर रही हो। सामने चित्र में छात्राएं बैठी हैं, शिक्षिका जी वार्तालाप कर रही हैं कि छात्रा यूयम किम करुथ, तुम सब क्या कर रहे हो। छात्रा कहते हैं, आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य संबोधन का चिन्ह, हे आचार्य, हे शिक्षिका, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका कहते हैं, यूयम कुत्र गच्छत, भाई आप जा रहे हैं, तो वो कहते हैं, शिक्षा यूयम कुत्र गच्छत, कुत्र यानी कहाँ, यूयम तुम सब गच्छत, जाना, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्र कहते हैं, वयम सभागारं गच्छामः, वयम सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार की ओर जा रहे हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं तुम्हारी, तुम सबकी पुस्तकानि कुत्र सन्ति, कुत्र यानी कहाँ, सन्ति यानी पुस्तकें, पुस्तकानि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा कहती हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब आगे शिक्षक दो छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं, छात्रहु युवाम किम कुरुथ, हे छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों युवाम किम करो, हे छात्रों, युवाम यानी तुम दोनों, किम करो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों दोनों छात्र कहते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, दोनों छात्र कहते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हे आचार्य, हे गुरुजी, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखता, शोभनम यानी अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों दोनों छात्र कहते हैं, आवाम लिखावो पठावो गायावो चित्राणि अपि रचयावो, क्या कहा, छात्र दोनों छात्रों का, आवाम लिखावो हम दोनों लिख रहे हैं, पठावो पढ़ रहे हैं, गायावो गा रहे हैं, चित्राणि अपि रचयावो और चित्र भी बना रहे हैं, रचयावो यानी बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं। दोनों छात्रों ने कहा कि आवाम लिखावो हम दोनों लिख रहे हैं, पठावो पढ़ रहे हैं, गायावो गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, चित्र की भी रचना कर रहे हैं। शिक्षक कहते हैं,
बहु शोभनम, बहुत अच्छा। क्या कहा शिक्षक जी, अध्यापक जी ने? बहु शोभनम, बहुत अच्छा। इस प्रकार से ये हमारा पाठ जो है संपूर्ण हो गया। आप सब भी इस पाठ का शुद्ध वाचन करते हुए, इस पाठ के कठिन शब्द जो हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी हम लिखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।